हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरठ किचन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं धनिए के पराठे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। धनिए का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर धनिया लिया है, जिसे हमने डंठल से पत्तियों को तोड़कर अलग कर लिया है और इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया है। धोने के बाद हम इसे किसी छलनी के ऊपर रखा रहने देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और धनिया थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद हम धनिए को बारीक काट लेंगे। तब तक हम पराठे के लिए आटे का डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने आटा लिया है, जिसमें हमने नमक डाल लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल या रिफाइंड ऑयल। उसको डालने के बाद हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथ लेंगे। आटे का हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। हम सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी डालते रहेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। आटे को हमने गूंथ लिया है। हमारा आटा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हमने धनिया को बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, इसलिए हम थोड़ा कम ही डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये सब चीज़ें जब धनिया के साथ मिक्स हो जाएंगी तो पराठों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम आटे को देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। हम आटे को एक बार अच्छी तरह से और गूंथ लेते हैं। उसको थोड़ा सा इस तरह से मस लेंगे तो आटे का डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इसको गूंथ लिया है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम आटा लेकर उसकी छोटी सी लोई बना लेंगे। फिर इसको सूखा आटा लगाकर किसी फ्लैट सरफेस पर बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। फिर हम इसके अंदर धनिया की जो फिलिंग हमने रेडी की थी उसको डाल देंगे। उसको थोड़ा सा फैलाने के बाद हम इसको दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से गोल कर बना लेंगे और इस पर सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा बढ़ाने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सूखा आटा लगा लेंगे। हमने पराठे को बेल लिया है और उसको तवे पर डालकर एक साइड से सेक लिया है और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और उससे इस तरह से सेक लेंगे। अब हम इसे पलट कर भी दूसरी साइड से तेल लगाकर सेक लेंगे। हम पराठे को दोनों साइडों से इसी तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पराठे भी रेडी कर लेंगे। इन पराठों के ऊपर देसी घी या बटर लगाएं, फिर उसे चाय या अचार के साथ खाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।